स्टेशन है दोस्तों, तस्वीरें देख सकते हो अभी, जिसमें लॉन्चर लगे हुए हैं और ऊपर इसके जो ये वाले विंग्स हैं इनको ऐड करने का काम किया जा रहा है दोस्तों। ये देख सकते हो, तो इधर तो विंग्स जोड़ दिए हैं, ऊपर भी देखो ये भी जोड़े जा रहे हैं विंग्स को, किस तरीके से ये छोटा वाला लॉन्चर है जो विंग्स को जोड़ रहा है जोड़ने देने के। हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब, आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद मैं आप सभी को पिंक लाइन का काम दिखाने वाला हूं। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, वो सामने चमक रहे हैं पिलर, जिन पर कुछ पियर कैप का काम हो चुका है, कुछ अभी पियर कैप के लिए बचे हुए हैं उन पर सेटिंग लगाई जा रही है दोस्तों। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, और ये रेड लाइन गोकुलपुरी की, और इधर देख सकते हो यहाँ से ये ऐसे कर्व ले लेगी, और देखो यहाँ पर ये क्रेन मशीन लगी हुई है जो कि पिलर के ऊपर ही ऊपर, आपको बता दूँ कि इसको बनाया जाएगा दोस्तों, बायोडक्ट को ऊपर ही ऊपर बनाया जाएगा पिलर के ऊपर ही, तो उसके पास में चलेंगे अभी दिखाएंगे चल के। और ये सामने है गोकुलपुरी का स्टेशन, देख सकते हो रेड लाइन मेट्रो स्टेशन है, और चलते हैं उसी के पास में और आप लोगों को दिखाते हैं चल के क्या 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 काम चल रहा है अभी पिंक लाइन पे। तो इधर से आ रही है ये, इधर जाएगी भजनपुरा की साइड में, तो चलते हैं और आगे दिखाते हैं चल के आप सभी को। दोस्तों देख सकते हो ये वर्क चल रहा है पिंक लाइन का, जो कि पिलर के ऊपर ही बायोडक्ट को जोड़ने का काम किया जा रहा है। देखो उधर के ये पियर कैप बन चुके हैं, और देख सकते हो ये आ रही है रेड लाइन, ये देख सकते हैं ये मेट्रो आ रही है रेड लाइन की, जो कि गोकुलपुरी जाकर रुकेगी बगल में ही। और ये देख सकते हैं पियर के ऊपर बायोडक्ट को जोड़ने का काम किया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन का सामान ये सारा पड़ा हुआ है पिंक लाइन का। दोस्तों देखो किस तरीके से यहाँ पर जोड़ने का काम किया जा रहा है, देख सकते हैं आप सभी। और आपको बता दूँ कि ये इधर तो चली जाती सादरा के लिए, और ये मेरे राइट में चला जाता है सीधा लोनी के लिए, और लोनी से निकल जाएंगे बागपत के लिए। दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो, और ये देखो जो बायोडक्ट के छोटे छोटे लॉन्चर हैं ना, देखो वो लगे हुए हैं, ये छोटे वाले लॉन्चर हैं जो बायोडक्ट को पिलर के ऊपर ही जोड़ने का काम करते हैं दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, ऐसे ये घूम जाएगी आगे जाके। और आपको बता दूँ कि यमुना विहार और भजनपुरा के सामने डबल डेकर मेट्रो बनाई जा रही है पिंक लाइन, यानी कि बीच में तो आपको बता दूं कि यह व्हीकल चलेंगे और सबसे ऊपर यह पिंक लाइन मेट्रो दौड़ेगी दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से देखो बनाया जा रहा है पिंक लाइन का जो बायोडक्ट है पिलर के ऊपर दोस्तों, ये देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, दो दो लॉन्चर लगे हुए हैं, उस साइड में भी लगा हुआ है, इस साइड में भी। देखो क्रेन मशीन अभी ये सामान की आवाजाही कर रहे हैं, और इधर भी आप लोग देख सकते हो, देखो ये टीम लगी हुई है, और ये देख सकते हो क्रेन मशीन, तो इस तरीके से ये जोड़ते हैं, मतलब कि पिलर के ऊपर ही ऊपर बायोडक्ट को जोड़ते चले जाते हैं। देख सकते हो सेटिंग किस तरीके से इन्होंने लगाई हुई है, और काफ़ी भारी भरकम भाई साहब जो सेटिंग लगाई है ये इधर से आ रही है इस तरीके से। देखो सादरा सीलमपुर GTB अस्पताल यमुना विहार, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम आगे, दिखाएंगे चल के आप सभी को, देखो किस तरीके से इन्होंने बायोडक्ट को जोड़ा है पिलर के ऊपर। अब ये तुरंत जल्दी मतलब तेज़ी के साथ में अब जोड़ने का काम करेंगे, बहुत तेज़ी के साथ में दोस्तों। बढ़ते हैं आगे, दिखाते हैं चल के आप लोगों को आगे का काम। अब चलते हैं आगे और दिखाते हुए चल रहे हैं आप सभी को ये पिंक लाइन का काम, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद में टाइम मिला है तो आपको मैं दिखा पा रहा हूँ। देखो ये सेटिंग लगा रहे हैं ना बायोडक्ट जोड़ने के लिए ऊपर, तो यही लॉन्चर है इसी तरीके के। देखो इस पर पियर कैप बन चुका है, अभी ये इस पर सेटिंग लगा दी है, और सेटिंग लगाने के बाद में ये तीन अभी पियर कैप बचे हुए हैं, पियर बचे हुए हैं पियर कैप के लिए दोस्तों। इन पर तो पियर कैप लग चुके हैं, तस्वीरें देख सकते हो, यहाँ पर ये टीम भी लगी हुई है। देखो किस तरीके से इन्होंने ये पिलर सारे बन गए हैं, अब इन पर बस पियर कैप का काम ही किया जाना है, और ये वाले पिलर ऊपर को उठाए जा रहे हैं जो कि कंक्रीट भर के, और ये ऊपर को उठाने का काम किया जा रहा है। सेटरिंग लगी हुई है इन पर, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, क्योंकि ये बीच वाली लाइन से फिर ये लेफ्ट में चली जाती है, यानी कि उस साइड में। और यहाँ से देखो ये एक ये स्टेशन बनाया जा रहा है दोस्तों यमुना विहार का, ये यमुना विहार का स्टेशन है दोस्तों,
तस्वीरें देख सकते हो अभी जिसमें लॉन्चर लगे हुए हैं और ऊपर इसके जो ये वाले विंग्स हैं इनको ऐड करने का काम किया जा रहा है दोस्तों, ये देख सकते हो। तो इधर तो विंग्स जोड़ दिए हैं, ऊपर भी देखो ये भी जोड़े जा रहे हैं विंग्स को किस तरीके से। ये छोटा वाला लॉन्चर है जो विंग्स को जोड़ रहा है, जोड़ने देने के बाद में दोस्तों इन पर गटर लॉन्चिंग कर दी जाएगी, जैसे कि इस बायोडक्ट को इधर तक जोड़ दिया है। और आगे और आप सभी को दिखाएंगे कि किस तरीके से ये डबल डेकर का काम चल रहा है दोस्तों, पिंक लाइन का डबल डेकर पिंक लाइन बनाई गई है इस साइड में। देखो इस पिलर से स्टार्टिंग हो जाती है, ये डबल डेकर जो पिंक लाइन बनाई जा रही है इधर देख सकते हो। अभी ये इसको हटा दिया जाएगा, जो ये फुट ओवर ब्रिज है इसको अभी हटाया जाएगा, अभी हटाया नहीं गया है। तो इधर तो इन्होंने विंग्स को जोड़ दिया है, देखो किस तरीके से ये विंग्स को जोड़ा इन्होंने। और इसको विंग्स को जोड़ देने के बाद में फिर इस पर जो आई गटर द्वारा है एक पिलर से दूसरे पिलर को जॉइंट किया जाएगा दोस्तों, जैसा कि आगे किया गया है। तो आगे देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। ये तो यमुना विहार है और उस साइड का ये आपको बता दूं भजनपुरा है। और ये 1.5 किलोमीटर का जो फ्लाईओवर है वो बनाया जा रहा है, देखो किस तरीके से ये आई गटर द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर को जोड़ रहे हैं, ये देख सकते हो। और ये आपको बता दूं कि ये डबल डेकर फ्लाईओवर दोस्तों ये 4 लेन का होने वाला है, ये देख सकते हो कि जोड़ने का ये काम ही चल रहा है अभी, देख सकते हो किस तरीके से तेज़ी के साथ में यहाँ पर काम किया जा रहा है। और ऊपर की जो पिंक लाइन का जो मेन काम है बायोडक्ट जोड़ने का वो भी देखो जोड़ दिए हैं। और इधर भी देखो ये बहुत जोड़ने का काम चल रहा है। और जोड़ने के काम करने के बाद में दोस्तों देखो फ्लोरिंग वर्क का काम किया जा रहा है और साइड में ये पैराफिट वॉल भी लगाए जा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। किस तरीके से ये जोड़ते हैं आप लोग देख सकते हो, आई गटर एक पिलर से दूसरे पिलर पर, ये 4 आई गटर हैं जो जोड़ रहे हैं दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें कि काफ़ी सारा काम हो चुका है। जब मैंने आप लोगों को पिछली बार अपडेट दिया था तब बहुत कम काम हुआ था, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा काम हो चुका है इस पिंक लाइन का डबल डेकर फ्लाईओवर का दोस्तों, देख सकते हो आप लोग तस्वीरें। जिधर आप नज़र उठा के देखेंगे उधर ही आप लोगों को इस पर काम होता हुआ नज़र आएगा सारे में ही। यह आई गटर द्वारा लॉन्च कर दिया जा चुके हैं एक पिलर से दूसरे पिलर को, अभी इन पर फ्लोरिंग वर्क का काम किया जा रहा है इस साइड में दोस्तों। देखो टीम लगी हुई भी है, अब 1.5 किलोमीटर लंबा ये डबल डेकर फ्लाईओवर है दोस्तों, तो सबसे ऊपर ये पिंक लाइन मतलब कि मेट्रो दौड़ेगी, बीच में वाहन दौड़ेंगे और नीचे भी वाहन दौड़ेंगे दोस्तों। तो यही वर्क चल रहा है, देखो लॉन्चर लगा हुआ है ऊपर भी, ये छोटा वाला लॉन्चर है देखो जो ये विंग्स को जोड़ रहा है, यही जोड़ता है दोस्तों। अभी इधर विंग्स नहीं जोड़े हैं और ये विंग्स जुड़ जाएंगे जल्दी, तो देखो अभी ये विंग्स जोड़े जाएंगे फिर उसके बाद में इसमें आई गटर द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर को लॉन्च किया जाना है। अभी एक पिलर यहाँ पर ये बीच में बनाने के लिए बचा हुआ है, ये भी बनाया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों स्लो डाउन रहता ही है, आए दिन स्लो डाउन लगा ही रहता है। देखो अभी सारे में ही ये कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, देखो इधर भी एक स्टेशन बनाया जाना है। चलो चलो
अभी ये पिलर ऊपर को बढ़ाए जाएंगे, अभी नहीं बढ़ाए गए हैं क्योंकि फैटरिंग लगा रहे हैं, तो फैटरिंग लगा कर ये पिलर ऊपर को बढ़ जाएंगे। ये देख सकते हो ये दो पिलर बचे हुए हैं जिन पर कि ये स्टेशन होने वाला है दोस्तों। देखो अभी इधर भी पिलर ये बनाए जाएंगे, इधर भी पिलर नहीं बने हैं क्योंकि इन पर सेटिंग लग दी है। अब सेटिंग लगा के ना ऊपर को उठाएंगे, ऊपर देखो यहाँ से ये किनारे किनारे, अभी इधर भी पिलर बनाए जाएंगे जो कि नहीं बने हैं। इधर ये पहले ही पिलर बना लिए जा चुके थे, देखो ये है पिंक लाइन का पिलर, ये भी है जिन पर अभी पियर कैप का काम किया जाना है दोस्तों। और जो बड़े बड़े पिलर देखने के लिए मिल रहे हैं वो है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के दोस्तों। इधर ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, देखो इधर पियर कैप का काम किया जा रहा है, इधर देखो टीम लगी हुई है जो देखो पिलर में जो कंक्रीट है वो किस तरीके से भरते हैं, ये देख सकते हैं इस तरीके से भरते हैं। और मशीन देखो वहाँ पर लगी हुई है, देखो ये टीम लगी हुई है जो कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का ये पिलर बनाया जा रहा है दोस्तों, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर देखो और उधर देख सकते हो, उधर उस साइड में वो सामने ये पियर कैप का काम किया जा रहा है, पियर कैप बनाए जा रहे हैं क्योंकि आपको बता दूँ कि ये पिंक लाइन को भी क्रॉस करेगी और इस फ्लाई ओवर को क्रॉस करेगा ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, जिसमें छोटे पिलर ये तीन चार बनाए गए हैं क्योंकि ताकि फाउंडेशन मजबूत हो सके दोस्तों। देखो इस तरीके से ये बनाया जाता है, टीम लगी हुई है और फिर इसके अंदर वो घूंघना सा डाला जाता है, देखो ये मशीन है जिसे चलाएंगे फिर ये सेट करता है दोस्तों। देखो ये पूरा डाल देंगे, देखो अब ये घूंघू करने लगता है, और जब घूंघू करेगा तो इसमें मिट्टी ये बैठती चली जाएगी जो कॉन्क्रीट है, कॉन्क्रीटिंग की है वो। और देखो उधर वो फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है, यानी कि जो इसका रैंप है दोस्तों, जो उतरने के लिए रैंप है, देखो वो सेटिंग का काम किया जा रहा है, वो फ्लोर वर्क किया जा रहा है इधर की साइड में। और वो देखो वहाँ पर पियर कैप बनाए जा रहे हैं और इस साइड में भी देखो उधर पियर कैप बनाए जा रहे हैं दोस्तों। अब चलते हैं और आगे देख सकते हो यहाँ पर ये खजूरी खास का जो पिंक लाइन का मेट्रो स्टेशन है वो यहाँ पर है इस जगह पर दोस्तों। देखो कुछ ऐसा बनाया जा रहा है ये, जिस पर सेटरिंग अभी लगी हुई है, टीम भी काम कर रही है, ठीक है इन पर पियर कैप का काम होना है दोस्तों। अब चलते हैं आगे दिखाते हैं चल के, तो देख लो कुछ इस तरीके से बनाया जा रहा है ये खजूरी खास पर जो काम किया जा रहा है दोस्तों। पियर को पियर कैप में जो कंक्रीट भरा जाता है वो इस मशीन द्वारा भरा जाता है, देख सकते हो ठीक है ना। तो आप लोग बताओ कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो दोस्तों। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत तो बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। केपी संत लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस।